चार नहीं बोलते हैं, लेकिन यहाँ जो मामला है, यहाँ मामला तो बिल्कुल सार्वजनिक है, खुल्ला खुल्ला है। देखिए, जब किसी चोर को चोर कहो और वो रिएक्ट ना करे, इसका मतलब उसने कुछ नहीं किया। लेकिन चोर को चोर कहो और वो झिलमिला उठे, चिलमिला उठे, चिल्लाए, एकदम चीखने चिल्लाने लगे, इसका मतलब मामला कुछ गड़बड़ है। और मैं कई बार कहता हूँ, जनता घर देखने वालों, घूस का छप्पर आपका भी है, आपके पीछे तेज हवा है, बाकी मुकद्दर आपका भी। आपको इल्जाम किसी पर लगाना करने वाले लोग, तो आप ये समझ लीजिए कि कोई ना कोई गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, खिलाड़ियों का, इल्जाम भी लगा रहा है। इसके सम्मान को बचाने के लिए जंतर मंतर पे बैठी है, और उनके जो दिखावे के करने वाले लोग, ये दोगले लोग, ये दोगले लोग जो दो तरह की भाषा बोलते हैं, उनको भी निकल करके सामने आना पड़ेगा। ये देश की बेटियों का मामला है, और अगर देश की बेटियां ऐसी पहलवान हो जो मेडल जीत के देश के लिए आई और उनके यौन उत्पीड़न की अगर सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप यकीन मानिए कि इस देश में कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं है। मेरे खुद 11 साल की बेटी। मैं संतोष चौबे, न्यूज 24 सरगत्ता में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं जंतर मंतर पर आज कवरेज कर रहा हूं और मैं आपको आगे दिखाता हूं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम आत्मजीत सिंह है, मैं भारतीय किसान यूनियन असली का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूं। अच्छा। और कल हमारे संगठन के मुरादाबाद, बरेली और लखनऊ मंडल से भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। अच्छा। और हमारी बहनें करनाल और हरियाणा से भी आ रही हैं। अच्छा। और कल हम लोग यहां पे किसानों का समर्थन देने के लिए, अच्छा, पहलवानों को एकत्र होंगे, उसकी मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए। अच्छा सर, ये बताएं कि मान लीजिए यहां पर बेटी का जो भी हुआ, बेटी के साथ अन्याय, उसके लिए इकट्ठे, लेकिन यहाँ तो तरह तरह की राजनीति हो रही है, ऐसा क्यों? तो यहाँ तो आए तो सिर्फ बेटी की बात की जाए, इसके बारे में आपका क्या कहना? देखिए, होता क्या है, गाजीपुर में भी अगर आप आए हों, हम लोग 13 महीने वहाँ रहे। हाँ। तो जब मंच होता है, मंच पे इस तरह की बातें नहीं होती, मंच पे सिर्फ हम लोग समर्थन देने आते हैं, और कोई भी आता है, क्योंकि ये देश की बेटियों का मामला है, और अगर देश की बेटियां ऐसी पहलवान हो जो मेडल जीत के देश के लिए आई और उनके यौन उत्पीड़न की अगर सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप यकीन मानिए कि इस देश में कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं है। मेरे खुद 11 साल की बेटी है, हर घर में बेटी और बहन है, और अगर इन पर सजा नहीं होती बिजभूषण सरन सिंह को, तो आप समझिएगा कोई वर्क प्लेस में, कोई स्कूल में, कोई कोचिंग सेंटर में, कोई कैंप में, किसी भी स्पोर्ट्स के बेटी सुरक्षित नहीं है। 30 फेडरेशन हैं इस देश में, इंडियन ओलंपिक कमेटी के अंदर आती है 30 फेडरेशन में, 14 फेडरेशन के अंदर ICC कमेटी नहीं, इंटरनेशनल कंप्लेंट, जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है, उसमें प्रावधान है IOA का कि 4 मेंबर होने चाहिए, 2 लेडी मेंबर, 2 मेल मेंबर होने चाहिए इंटरनल कमेटी मेंबर में, और 2 मेंबर और होने चाहिए, उसमें 1 मेंबर लेडी होनी चाहिए, और 4 में से 1 को एक्सपीरियंस होना चाहिए NGO का और सेक्सुअल ऑफेंसेस की कंप्लेंट्स को एड्रेस करने का। इस देश में 14 ऐसी फेडरेशंस हैं जिसमें ICC बनी ही नहीं है, और बाकी की जो 16 हैं उसमें किसी में लेडी मेंबर नहीं है, या किसी में जो NGO और सेक्सुअल ऑफेंस के एक्सपीरियंस वाला आदमी होना चाहिए वो भी नहीं है। तो इस देश में जब सुनवाई नहीं है, और कहा जाता है 2012 से शोषण हो रहा था, पहले क्यों नहीं आई? आप जानते हैं कि अगर ये महिलाएं पहले आती तो उनका करियर ख़त्म हो जाता, ये ना इंटरनेशनल जा पाती, ना देश के लिए मेडल लेके आ पाती, इनके फिजियो तक को धमकी दी गई, और उनकी वाइफ को जो है वो फेडरेशन से निकाल दिया गया। अच्छा सर, ये बताएं कि फिर अगर इतना बड़ा यौन शोषण हो रहा था, तो ये बताएं कि बाकी जो पूरे देश की लड़कियां हैं वो क्यों नहीं आ रही? देखिए, आप जानते हैं कि देश में आपके भी घर में बहु बेटियां हैं, आप काम करने निकलते हैं, आप पूछेंगे बेटी को कहाँ जा रही हो बेटी, वो कहेगी मैं जंतर मंतर जा रही हूँ। तो पहला माँ बाप का क्या होता है कि बेटा वहाँ जाना सेफ नहीं, क्योंकि वहाँ तरह तरह के लोग होते हैं, आप यहाँ पे कोई हॉल, कोई सिक्योरिटी इंचार्ज तो है नहीं, बिल्कुल सड़क पे आप बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आप बताइए कि जिसके साथ तो बीती है या जो उनका समर्थन कर रहा है, वो तो कहीं भी अपनी जान हथेली पर रख के आएगा। हम भी जब पहले दिन आए थे तो हमको नहीं पता था कि हम यहाँ से घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अच्छा। जब हम किसान आंदोलन में भी गए थे तो 13 महीने में हमें नहीं पता था कि हम पर भी UAPA लगेगी कि नहीं लगेगी, पर हम लोगों ने रिस्क लिया और वो आंदोलन जीते। तो यहाँ भी जो लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो अपने संगठन चलाते हैं, जो खापों से रिलेटेड है, हम परसों खाप की भी मीटिंग में थे, अब महम चौबीसी खाप और आपकी सौरम खाप और देश के तमाम राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड से खापें यहाँ आई, उन्होंने एक मत ये कहा कि हम 15 दिन का समय देते हैं देश, यहाँ की देश की सरकार को, मोदी सरकार को, कि बृजभूषण सरन सिंह पे कार्रवाई की जाए। अब देखिए,
सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने के बाद कि FIR दर्ज हो और कार्रवाई हो, अभी तक 164 के बयान नहीं दर्ज किए गए। 161 के बयान भी जो दर्ज किए गए उसमें भी एक हफ्ता लगा दिया गया। मजिस्ट्रेट के आगे 164 के बयान दर्ज हो और कार्रवाई हो, और मांग क्या रहे हैं बच्चे? यही तो मांग रहे हैं। और इस पर सरकार क्यों सख्ते में है, क्यों डिले कर रही है? यही मामला अगर किसी ऑपोजिशन के MP का या MLA का होता या कांग्रेस पार्टी के किसी सभासद का होता तो आपको लगता है कि वो एक हफ्ता वेट करते, अगले दिन ही उठा लिए गए होते? तो देश में दो तरह के लॉ क्यों है? ऑपोजिशन पार्टीज के लिए, किसानों के लिए और आम आदमी के लिए लॉ अलग है, और देश की संसद में और देश की विधानसभा में अगर सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके लिए रूल लॉ अलग है। तो सुप्रीम कोर्ट को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो फिर हाई कोर्ट के आदेश करा के या हाई कोर्ट में कहलवा के इसको तुरंत इस पर कार्रवाई हो, 164 पे मजिस्ट्रेट के थ्रू बयान दर्ज होने चाहिए। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके सम्मान को बचाने के लिए जंतर मंतर पे बैठी है और उनके जो दिखावे के करने वाले लोग, ये दोगले लोग, ये दोगले लोग जो दो तरह की भाषा बोलते हैं, उनको भी निकल करके सामने आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा ये किसान आंदोलन की तरह ये जन आंदोलन बनेगा। ये बेटियों की इज्जत की सवाल है। अरे तुम बात तो करते हो, फिलहाल पूजन की छुट्टी कर दो। अभी अभी पांडेचेरी में आपको औरतों को पूजा करके काम पे आना है। शुक्रवार को 2 घंटे का छुट्टी दिया जाएगा। ये वोटों की इतनी गंदी राजनीति कहां तक गिरोगे बीजेपी वालों? और वो उत्तराखंड की मंत्री बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे सभी को शिवालय में आना पड़ेगा, शिवरात्रि पे जल चढ़ाना पड़ेगा ताकि इसकी देश की बेटी बच जाए। अरे हमें शिवालय में जाने की जरूरत नहीं। अरे दिल्ली पुलिस से पकड़ो उस ब्रजभूषण को जिसकी इतनी बड़ी पोस्ट के तहत FIR दर्ज है। क्यों नहीं आप गिरफ्तार करते? दोस्तों देखिए ये सर आए हुए हैं। सर का नाम क्या है? अनिल। अनिल नाम है मेरा। कहाँ से आए सर? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ भाई। अच्छा सर, जो एक बेटियों के साथ जो भी अत्याचार हुआ है इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में बताएं भाई। इसके बारे में तो इतना गलत काम किया है सरकार ने कि इसके बारे में जो भी मैं कुछ कम वो सब कुछ कम है। जो इन्होंने सरकार ने इतना गिरा हुआ क्रम किया है कि मैं दिल्ली वासियों से और पूरे देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि जंतर मंतर पर आकर अपना समर्थन दे और सरकार से जवाब मांगे कि अपनी बहन बेटियों के साथ ये क्या अत्याचार हो रहे हैं। जनता घर देखने वालों, पुलिस का छप्पर आपका भी है, आपके पीछे तेज हवा है, बाकी मुकद्दर आपका भी, उसके कत्ल पर मैं कुछ नहीं बोला, मेरा नंबर आप आया, मेरे कत्ल पर आप भी सुखो, अगला नंबर आपका भी। देखिए दोनों में बहुत अंतर है, एक अंधविश्वास का विषय है, दूसरा बाहुबल का विषय है। अंधविश्वास भी जहाँ होता है वहाँ ऐसा होता ही होता है, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और हमारे हिंदुस्तान में अंधविश्वास तो सर चढ़ करके बोलता है लोगों के, और बाहुबल जहाँ होता है वहाँ लोग डर के मारे नहीं बोलते हैं, वहाँ अंधविश्वास के कारण नहीं बोलते हैं, बाहुबल के कारण नहीं बोलते हैं। लेकिन यहाँ जो मामला है, यहाँ मामला तो बिल्कुल सार्वजनिक है, खुल्ला खुल्ला है। देखिए जब किसी चोर को चोर कहो और वो रिएक्ट ना करे इसका मतलब उसने कुछ नहीं किया, लेकिन चोर को चोर कहो और वो झुंझला उठे चिल्ला उठे चिल्लाए एकदम चीखने चिल्लाने लगे इसका मतलब मामला कुछ गड़बड़ है। और मैं कई बार कहता हूँ यहाँ दाल में काला नहीं है, यहाँ पूरी दाल ही काली है, क्योंकि उसका अपराधी इतिहास की बात की गवाही देता है। किस देश में तमाम वो लोग ब्रजभूषण के समर्थन में खड़े होंगे जो इस देश की महिलाओं से सम्मान प्यार नहीं करते, उनकी इज्जत से चिपचिपाक नहीं रखते, उनकी आबरू से चिपचिपाक नहीं रखते, तमाम वो लोग खड़े होंगे। और मैं इसलिए कहता हूँ इन बेटियों के साथ पूरा देश खड़ा है, ब्रजभूषण के साथ सरकार खड़ी है, तमाम मानसिकता के लोग खड़े हैं जो ये सोचते हैं कि मैं बेटियों का शोषण कर सकता हूँ, मैं बेटियों पर अत्याचार कर सकता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा ये बताएं आप कि जो अदर स्टेट के जो पहलवान है वो तो कह रहे हैं कि बड़े अच्छे आदमी हो, किसी ने किसी के साथ कोई नजायज किया ही नहीं है। देखिए पहले एक बात ये समझने की जरूरत है, पहलवानी पहली बात तो पूरे देश में सारे लोग करते नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग पहलवानी करते हैं, हरियाणा में करते हैं, आधे राजस्थान में करते हैं और कुछ पंजाब में करते हैं। मोटे मोटे लोग यही पहलवानी करते हैं, इससे ज्यादा लोग पहलवानी नहीं करते हैं। और जहाँ के लोग पहलवानी करेंगे वही लोग तो खड़े होंगे। दूसरी बात, समर्थन में इनके सब है, आप क्या चाहते हैं वो अपना वो अखाड़ा छोड़ करके यहाँ आकर इनके साथ 24 घंटे बैठे? जो स्टेटमेंट जो नहीं यार सब
धमकी आ रही तमाम अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इनका समर्थन कर रहे हैं। राहुल कह रहे हैं कि आप लोग धरना खत्म कीजिए, कार्रवाई होगी, जांच का विषय है, आप लोग घर जाइए। हम भी तो कह रहे हैं अनुराग ठाकुर को कि आप इस्तीफा दे दीजिए खेल मंत्रालय के पक्ष से, अगर इन बेटियों से बात नहीं कर सकते, इनके साथ न्याय नहीं कर सकते।